स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल हैप्पी जिम मेनिया में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता किस प्रकार से होती है। मैंने अपने पुराने वीडियो में वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता कैसे होती है और बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता कैसी होती है इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ। आपको यदि इस विषय में जानना है तो मेरे वीडियो में जरूर जाइए और देखिए, इसके बारे में पूरी विस्तार से बताया गया है। लेकिन वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग के अलावा पावर लिफ्टिंग भी हमारा एक स्पेशल गेम है जो कि हमारे भारत में बहुत अच्छे तरीके से खेला जाता है, इंटरनेशनल गेम है। तो इसे किस प्रकार से खेला जाता है इसके बारे में आज हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जाने कि पावर लिफ्टिंग जो है वो पूरी तरीके से बेस्ड है आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर। हम जो जिम में वर्कआउट करते हैं, जिम में वर्कआउट करने वाली जो मेन बेसिक एक्सरसाइज जैसे कि स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट, यही पावर लिफ्टिंग है। यही इसकी जो मैक्सिमम आपकी जो स्ट्रेंथ है इसी का चेक किया जाता है पावर लिफ्टिंग में। तो पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में तीन इवेंट होते हैं। कुछ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में यह भी होता है कि एक या दो इवेंट को मिलाकर भी प्रतियोगिता कराई जाती है, उसमें से कुछ इवेंट को काट दिया जाता है। लेकिन बेसिक पावर लिफ्टिंग हम जिसमें बोले, इसमें बेंच प्रेस, स्क्वाट और डेडलिफ्ट तीनों ही होती है। अब बात करें कि इसका ये कौन करवा सकता है, तो इसके लिए पावर लिफ्टिंग की एसोसिएशन होती है, ये इसके लिए मान्यता प्राप्त होती है कि ये पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता करवाए आपके क्षेत्र में, आपके जिले में, स्टेट में, इंटरनेशनल इंटरनेशनल लेवल पर यह प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसके जो वर्ग होते हैं उसमें सब जूनियर, जूनियर, सीनियर और मास्टर्स होते हैं, जिसमें कि ऐसे खिलाड़ी जिनकी उम्र 17 साल से कम होती है वो सब जूनियर होते हैं। 17 साल से 21 साल की उम्र के बीच के जो खिलाड़ी होते हैं वो जूनियर होते हैं, और 21 साल से 40 साल की एज के जो खिलाड़ी होते हैं वो सीनियर की कैटेगरी में आते हैं। और वहीं मैं बात करूँ, 40 साल से अधिक की एज के जो खिलाड़ी होते हैं वो मास्टर्स में आते हैं। जैसे कि कुछ एसोसिएशन ऐसी है कि जो 19 साल से कम उम्र के बच्चों को सब जूनियर, 19 से 23 साल के खिलाड़ियों को जूनियर और 23 साल से अधिक उम्र के जो खिलाड़ी होते हैं उन्हें सीनियर कैटेगरी में रखती है, और 40 साल से अधिक के जो लोग होते हैं वो मास्टर्स कैटेगरी में आते हैं। अब इसका जो प्रोसेस होता है वो ऐसा होता है कि सारे खिलाड़ियों का उनकी कैटेगरी वाइज उनका ग्रुप बना दिया जाता है, और इसके बाद में उन लोगों को वजन देना होता है। वजन जो होता है इसमें भी अलग अलग वेट कैटेगरी होती है, जो कि लगभग हर 5 से 7 किलो वेट कैटेगरी में, वजन में यह कैटेगरी बदल जाती है। तो एक मैं नॉर्मल सी बात करूं कि एक 55 किलो वेट कैटेगरी होगी, उसके बाद में 61 वेट कैटेगरी, 67.5 वेट कैटेगरी, 73 वेट कैटेगरी, इस प्रकार से बहुत सी वेट कैटेगरी होती है। और ये जो कैटेगरी होती है ये अलग अलग एसोसिएशन में अलग अलग देखा गया है। तो आप जिस एसोसिएशन से यह खेल खेल रहे हैं वहाँ पे आपकी वेट कैटेगरी होगी। आपको फर्स्ट लिफ्ट आपको पहले आपकी लिखी हुई होती है, आप लिफ्ट में जाएंगे, लिफ्ट में देने के बाद में लिफ्ट में आपको फर्स्ट लिफ्ट दी जाएगी। इस प्रकार से आपकी एज और आपके वजन के हिसाब से आपको एक ग्रुप मिलेगा, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है, और आपको अपने आपके ग्रुप में जीतने पर जिस ग्रुप में जो जीतते हैं उनको उसके हिसाब से मेडल मिलता है। जो इसमें तीन प्रकार के प्राइज़ दिया जाता है, एक होता है फर्स्ट जो होता है उसे गोल्ड मेडल दिया जाता है, सेकंड प्लेस में आने वाले व्यक्ति को सिल्वर मेडल दिया जाता है, और थर्ड प्लेस में आने वाले व्यक्ति को ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। ऐसे तीन वो होते हैं। अब बात करूँ मैं कि इसमें जो खेल जो होता है उसे कैसे खेला जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको दिया जाता है स्क्वाट। स्क्वाट में आपको टोटल 3 लिफ्ट दी जाती है। फर्स्ट लिफ्ट जो रहेगी आपकी, आपके हिसाब से जब जिस समय आपका वजन होता है तो डेडलिफ्ट, स्क्वाट और बेंच प्रेस, इसकी आपकी पहली लिफ्ट जो है वो ले ली जाती है कि आपको फर्स्ट लिफ्ट कौन सी मारनी है। उसके हिसाब से आपका चार्ट बना दिया जाता है, उस हिसाब से लिफ्टर्स को कॉल किया जाता है। अब आपने जो पहली लिफ्ट मारी है, हम एक मोटा मोटी बात करते हैं कि हमने पहले लिफ्ट स्क्वाट की चूज़ की है 100 kg, तो आपको पहले लिफ्ट दी जाएगी 100 kg की पहली स्क्वाट आपको मारनी है। और 100 kg का इसका जो बैठने का जो तरीका है वो अलग होता है। आपको सिर्फ एक लिफ्ट मारनी है, 3 रेफरी आपके सामने बैठे रहेंगे, एक मेन रेफरी और 2 साइड रेफरी, आपको कमांड देगा मेन रेफरी। जैसे ही आप स्क्वाट को स्टैंड से निकाल कर खड़े होते हैं, रेफरी वहां से, जो मेन रेफरी होता है सेंटर रेफरी, वो आपको कमांड देता है स्क्वाट, उसकी कमांड पर ही आपको बैठना है। यदि आप उसके पहले यदि बैठ जाते हो तो वो आपकी लिफ्ट को फैल माना जाएगा। सेंटर रेफरी आपको कमांड देता है स्क्वाट, आपको बैठना है और कम से कम 120 डिग्री पे आपको स्क्वाट लेना है। 90 डिग्री या हाफ सिटिंग इस प्रकार से नहीं चले जाती। हर एसोसिएशन का अपना एक नियम होता है सिटिंग का, उस सिटिंग के हिसाब से आपको सिटिंग लेनी है और आपको खड़े होना है। जब रेफरी देखेगा कि आपने सही सिटिंग ले ली है या नहीं ली है, जो भी आपने लेके आपने खड़ा हुआ, वो आपको रैक की कमांड देगा, तब आप उस वेट को रैक करेंगे।
यदि इस बीच में आपने किसी भी दूसरी एक्टिविटीज़ करी कि उसकी कमांड से पहले आपने रैक कर दिया या उसके बोलने से पहले आपने वेट को रख दिया, तो आपका कमांड जो है वो आपकी लिफ्ट को फैल माना जाएगा और आप सेकंड लिफ्ट में चले जाएंगे और ये लिफ्ट आपकी मतलब फैल मानी जाएगी। अब बात आती है कि सेकंड लिफ्ट कैसे चूज़ करें। मान लीजिए कि आपने लिफ्ट सही मारी है तो आपको आगे आपका वेट को आप जितनी आपकी मर्जी के ऊपर आप 1 किलो से लेके कितनी भी कितना भी आप चाहे तो वेट को बढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि आपकी लिफ्ट फैल हो गई है, सपोज़ आपने 100 kg की लिफ्ट की और यदि वो फैल हो गई है तो आप उससे कम नहीं कर सकते, आपको मिनिमम 100 kg फिर भी मारनी पड़ेगी, उससे नीचे आप नहीं आ सकते। तो ध्यान रखें, पहली लिफ्ट जब भी मारें तो आपको पूरा ध्यान रखना होता है कि हमें लिफ्ट कैसी मारनी है, परफेक्ट है तभी उस लिफ्ट को, पहली लिफ्ट को चयन कीजिए। दूसरी बात, अब आपको सेकंड लिफ्ट मिली, सेकंड लिफ्ट में यदि आपको आपने उसको पास किया, सेम वही कमांड वही चीज़ रहेगी, सेकंड लिफ्ट आप पास करेंगे, पास या फेल जो भी है आपकी लिफ्ट पास होगी, उसके बाद आपको थर्ड लिफ्ट दी जाएगी। यदि आपकी लिफ्ट फेल होती है तो आपकी इच्छा पे आप उस वेट को बढ़ाना चाहते हैं या वही रखना चाहते हैं, यदि आप पास बढ़ाना चाहते हो तो आप बढ़ा सकते हो, आपको थर्ड लिफ्ट दी जाएगी। थर्ड लिफ्ट में आपको अटैम्प्ट किया जाएगा, आपकी स्क्वाड जो है वो कंप्लीट होती है। स्क्वाड में आपने इन तीनों लिफ्ट में से सबसे अधिक वजन जिस पर भी मारा है और वो पास हुआ है, मान लीजिए आपकी सेकंड लिफ्ट पास हुई है, थर्ड लिफ्ट फेल हो गई है, तो आपकी सेकंड लिफ्ट को जोड़ा जाएगा कि क्योंकि यह पहली लिफ्ट से अधिक होगी, जो लिफ्ट तीनों में से सबसे अधिक वजन की होगी और जो पास रहेगी उसे आपके स्क्वाड के टोटल में रखा जाएगा कि इस व्यक्ति ने इस कितने किलो का मैक्सिमम स्क्वाड मारा है। जैसे मैं आपको एक बात बोलूं कि आपने 100 kg का स्क्वाड मारा, पास किया, आपने 110 किलो का स्क्वाड मारा, पास किया, और आपने 120 किलो का स्क्वाड मारा जो फेल हुआ, तो आपका स्क्वाड का जो टोटल जो माना जाएगा वो माना जाएगा 110 किलो से। ऐसा नहीं है दोस्तों कि 100 और 110 मिला के 210 होगा, आपका जो मैक्सिमम जो आपने मारा है 110 kg आपका स्क्वाड माना जाएगा। इसी प्रकार आपको बेंच प्रेस में जाया जाएगा, आप बेंच प्रेस में यही चीज़ करेंगे, रेफरी सेंटर रेफरी की कमांड पर आपको पुश एंड प्रेस करना है, उसकी कमांड के बिना आपको नहीं करना है, जब तक आपको कमांड ना दी जाए आपको नहीं करना है। हर एसोसिएशन अपनी एक कमांड को डिसाइड करती है, उस हिसाब से रहता है। तो वहीं पर जब आपने बेंच प्रेस को कंप्लीट किया है तो अब आपको दिया जाएगा थर्ड जो अटैम्प्ट है वो दिया जाता है डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट आपको लिफ्ट को जब उठाने के लिए, आपको लिफ्ट को उठाने के लिए कमांड नहीं दी जाएगी, आप जाएंगे रेडी होंगे, सामने रेफरी को आप रेडी देखेंगे, रेफरी रेडी है, आप रेडी हैं, आप वेट को लेकर डेडलिफ्ट पोजीशन पर आ जाएंगे। वहां से जब आपको रेफरी कमांड देगा डाउन करके, तभी आपको उस बार को नीचे रखना है। यदि आपने उसके डाउन बोलने से पहले यदि वजन को रख दिया तो आपकी लिफ्ट फेल मानी जाएगी। और यही सेम प्रोसेस तीन लिफ्ट जो आपने तीनों में से जो सबसे अधिक लिफ्ट मारी है उसे उसमें टोटल जोड़ा जाएगा। उस प्रकार स्क्वाड, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट तीनों का टोटल लगाने के बाद में आपका जो टोटल वो आपका कुल टोटल होगा और उसके आधार पर आपके ग्रुप पर आपको जो आपका यदि नंबर लगता है, यदि आपका रैंक आता है तो आप सिल्वर, गोल्ड या फिर ब्रॉन्ज के लिए हकदार होंगे। तो इस प्रकार से पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता होती है और इसके भी वही सीधे सीधे सारे चैनल्स हैं। इसमें पहले डिस्ट्रिक्ट खेलना है, डिस्ट्रिक्ट के बाद में आप स्टेट खेलेंगे, फिर उसके बाद में नेशनल, इंटरनेशनल, इस प्रकार से इसके भी चैनल्स होते हैं। तो यह है जानकारी पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के बारे में। आपको इसके बारे में और भी यदि कोई कन्फ्यूज़न है और यदि जानना है तो आप मुझे मेरे नंबर, मेरे इस वीडियो पर आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको इसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो मैं हूँ संतोष कुमार, हैप्पी जिम मैनिया चैनल से। आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।